Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक सुपरनैचुरल मिनी सीरीज के बारे में जिसका नाम है द डेथ रिकॉर्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही यूजुअल डे से। हम एक यूजुअल केबिन को देखते हैं जिसके बाहर खड़े एक आदमी कुछ काम कर रहा था। तभी अंदर उनकी बीवी एक विंटेज वाइनल रिकॉर्ड प्ले करती है, मगर उसमें कोई गाना नहीं था बल्कि एक अजीब सी धुन सुनाई देती है। कोई गुनगुना रहा था उस धुन को, जो धीरे धीरे एक क्रीपी डिमोनिक हंसी में बदल जाती है, और उसे सुनते ही उस आदमी को कुछ हो जाता है। वो नेल गन से अपने ही आप को शूट कर लेता है, और इधर घर के अंदर उनकी बीवी भी खुद को मार डालती है। उसके खून के छींटे जाके गिरते हैं रिकॉर्ड पर, जिससे उस हंसी की लहर जैसे दुगनी हो जाती है। पूरा घर कांपने लगता है उस हंसी से। ऐसा लगता है जैसे यही तो चाहता था वो, अपने शैतानी मकसद को पूरा करना। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीनों बाद, मिलते हैं एक होमलेस लड़की से जिसे एक शेल्टर की तलाश थी। चलते चलते थक चुकी थी बेचारी, उसे भूख भी लगी थी और प्यास भी। बहुत सारे डस्टबिन ढूंढकर भी बेचारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। ऊपर से रात होने वाली थी, उसे समझ नहीं आ रहा था इस ठंड से कैसे बचे। तभी चलते चलते अचानक ही उसे ये केबिन दिख जाता है। दरवाजा तो लॉक्ड था, मगर थोड़ी बहुत छानबीन करके ये लड़की जब शॉर्ट हो जाती है अंदर कोई नहीं है, तो एक खिड़की से अंदर घुस जाती है वो। सबसे पहले उसे जरूरत थी कुछ खाने की, मगर वहां पर जो पड़ा था वो खाने लायक नहीं था। इसके बाद वो जाती है आग जलाने। वुड्स तो नहीं थे, तो आसपास जो भी कागज पड़े थे, बुक्स, मैगजीन्स, उसके पन्ने फाड़ के फायरप्लेस में डाल देती है वो। वहीं पर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी थे, जिनमें से एक पर इस लड़की की नजर पड़ती है। हम समझ पाते हैं ये वही रिकॉर्ड है, फर्स्ट नींद वाली। इस रिकॉर्ड का एनवलप बाकियों से काफी अलग था, बिल्कुल ब्लैंक था, और रिकॉर्ड पर जो कुछ भी लिखा था उसे भी कवर अप करने की कोशिश की गई थी। देखने से समझ नहीं आ रहा था इसमें आखिर है क्या। जब ये लड़की ध्यान से इस रिकॉर्ड को देखने लगती है, तो उसे रिफ्लेक्शन में एक डिमोनिक फेस नजर आता है। एकदम से चौंक उठती है लड़की, टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ चेक करती है, मगर जब कहीं कुछ नहीं दिखता तो उसे लगता है कि शायद वह हेलुसिनेट कर रही होगी। भूख के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है शायद। ये लड़की इस रिकॉर्ड को प्ले करने की डिसाइड करती है। एटलीस्ट एक रात के लिए चैन की नींद सोना चाहती थी वो, क्या पता कल नसीब में हो या ना हो। मगर रिकॉर्ड की तरफ देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं, कुछ हो जाता है उसे। उसे भी सुनाई देती है वो अजीब सी धुन, और उसके साथ साथ एक मिरेकल होता है। उसके सामने कैबिनेट अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिसके अंदर था बहुत सारा खाना, चिप्स, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और भी बहुत कुछ। ये लड़की और खुद को रोक नहीं पाती, उसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे, तो वो एक साथ बहुत कुछ खाने लगती है। उधर कुछ देर बाद अचानक ही वो रिकॉर्ड बंद पड़ जाता है, जिसके साथ साथ इस लड़की को एहसास होता है वो इतने देर से जो खा रही है वो कोई खाना नहीं है, बल्कि क्लीनिंग प्रोडक्ट से ब्लीच, डिटर्जेंट, नैप्थिन एंड स्टील वुल पैड, जिसे खाने से उसके गले में जलन शुरू हो चुका था। तबीयत खराब हो रही थी उसकी। वो लड़की जैसे तैसे वॉशरूम में जाकर सब कुछ उल्टी कर देती है, और तब जाके उसे राहत मिलती है। भले ही वो समझ नहीं पाती ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, वो तो खाना ही खा रही थी, मगर हम गेस कर पाते हैं इसके पीछे जरूर उस कर्स्ड रिकॉर्ड का हाथ है। उसी ने हिप्नोटाइज किया होगा इस लड़की को, ठीक जैसे उस कपल को किया था। तो क्या इस लड़की की हालत भी उनके जैसी होने वाली है? गॉड नोस। कुछ देर बाद जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक ही वो रिकॉर्ड फिर से ऑन हो जाता है। किसी चिल्लाने की आवाज आने लगती है उसे। कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका मतलब समझना इम्पॉसिबल था। मगर इससे उस लड़की की नींद जरूर टूट जाती है। उसे फिर सोने का मन नहीं कर रहा था, तो वो जाती है वॉशरूम में। वहां बहुत दिनों बाद खुद को आईने में देख रही थी वो, कई दिनों के बाद ब्रश कर रही थी, मगर उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रांस में है। ऐसा क्यों? उसका जवाब हमें अगले ही पल मिल जाता है, जब हम समझ पाते हैं ये लड़की असल में ब्रश नहीं कर रही, बल्कि उसके हाथ में तो एक चाकू है,
जिसे उसने ब्रश समझ लिया और उसी को अपने मुंह के अंदर डाल रही है वो। इससे होता ये कि उसका लिप के दोनों तरफ कट जाता है, खून से लथपथ हो जाती है वो और साथ ही साथ देखने में भी बहुत ही भयानक लगने लगती है। उस लड़की को ये एहसास भी नहीं था कि वो खुद को हर्ट कर रही है। जब एहसास होता है तब एक और चीज दिखता है उसे, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखती है आने पे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसी की तरफ देखकर हंस रही है। ये वो नहीं है, ना वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, मगर हाँ उसे जरूर अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था उसका रिफ्लेक्शन। इसीलिए जब वो हाथ में चाकू उठा लेता है, ये लड़की कुछ नहीं कर पाती, ना चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ता है। और जब उसका रिफ्लेक्शन वो चाकू अपने पेट में घुसा देता है, वो चोट लगती है इस लड़की को, अपने ही हाथों बेमौत मरना पड़ता है उसे, जो देखने से तो सुसाइड लग रही थी मगर थी नहीं। मगर क्या उसका राज कभी किसी को पता चलेगा? गॉड नोस। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से, जहां हम एक मिडिल एज्ड वुमन को देखते हैं इस केबिन में एंटर करते हुए। नहीं, उस लड़की की तरह चोरी छुपे नहीं, बल्कि चाबी से दरवाजा खोलकर, जिससे हम समझ पाते हैं ये लेडी शायद इस घर की मालकिन है। वो अंदर जाती है और घर को साफ करने लगती है, मगर अंदर सारे सामान बिखरे पड़े थे देखकर भी उन्हें हैरानी नहीं होती। तभी उनके पास एक मैसेज आता है जिससे हमें पता चलता है ये घर असल में एक रेंटल हाउस है। लोग यहाँ एक रोमांटिक गेटअवे के लिए आते हैं, कल भी एक कपल आने वाले हैं, इसीलिए ही तो ये लेडी घर को रेडी कर रही है। और इसीलिए चीजें इधर उधर बिखरे पड़े हैं देखकर भी उन्हें कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा पिछली बार जो लोग आए थे शायद ये उनका ही काम है। लिविंग एरिया को क्लीन करते वक्त उन्हें उस लड़की का बैग भी मिलता है, जिसके पास ही पड़ा था वो रिकॉर्ड। उसे ध्यान से देखने पर इस लेडी को भी वो डिमोनिक फेस नजर आता है, और वो जिस तरह से चौंकती है उससे ये तो क्लियर था कि उन्हें इस रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। इसे देखकर बाकी सभी की तरह उन्हें भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली जब उन्हें इसके कवर के बिल्कुल कॉर्नर में कुछ स्पेशल वर्ड्स नजर आते हैं, पेशेंट नंबर 3603 एंड सेशन नंबर 109। अब इसका क्या मतलब है? इसे जानने के लिए ये लेडी उस रिकॉर्ड को प्ले करती है और उन्हें सुनाई देती है एक कन्वर्सेशन एक डॉक्टर और उनके पेशेंट के बीच। हमें पता चलता है ये डॉक्टर असल में एक साइकियाट्रिस्ट है और उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला है जिसके पास टेलीपैथी एंड माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता है। किसी से कुछ भी करवा सकता है वो, इस हद तक कि उसने एक नर्स को हिप्नोटाइज करके खुद को अपने टेथर से आजाद कर लिया था। और यह सब वो कैसे कर रहा था? अपने धुन से, एक अजीब से धुन को गुनगुना रहा था वो। सुनकर समझ नहीं आता वो हंस रहा है या रो रहा है, बस कुछ पर्टिकुलर नोट्स को बार बार दोहराता रहता है किसी चैंटिंग की तरह। इस डॉक्टर का मानना है उसकी सारी शक्ति उसके इस चैंटिंग में है, अगर किसी तरह वो ये चैंटिंग सीख ले तो वो भी ऐसे मिरेकल्स कर सकता है। वो उस पेशेंट से बार बार यही सवाल करता रहता है कि उसे ये शक्ति कहाँ से मिली, जिसका जवाब वो नहीं देता, उल्टा पागलों की तरह हंसता रहता है। बहुत ही क्रीपीली कहता है, मैं तुम्हें स्टैचू बना दूंगा, तुम्हारे स्किन उखाड़ के आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। अब ऐसे बातों से तो कोई भी डर जाएगा, डॉक्टर की भी हालत खराब हो जाती है। वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है लेकिन वो करता नहीं, एक ही बात दोहराता रहता है बार बार, जिसे सुनकर इस लेडी को चक्कर आने लगते हैं, वो हिप्नोटाइज्ड होने लगती हैं। बट फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय केबिन का सिंक जैम हो जाता है और उसके आवाज से इस लेडी का होश लौट आता है। वो देखती है पूरा सिंक गंदे पानी से भर चुका है, जिसे क्लीन करने के लिए जैसे ही वो अंदर हाथ डालती है उन्हें मिलता है एक लंबा सा बालों का गुच्छा, मगर वो निकल नहीं रहा था। कैसे निकलेगा? ये बाल तो अभी भी अटैच्ड था किसी के माथे से। एक्चुअली ये उसी लड़की के बाल थे जिसकी लाश अभी भी बाथरूम में पड़ी थी। एक्जैक्टली इसी दीवार के उस तरफ था वो बाथरूम। जब ये लेडी फोर्सफुली गुच्छे को निकालने की कोशिश करती है तो स्किन के साथ ही निकल आती है वो बाल, और उसे देखकर घिन से लेडी का पूरा शरीर कांप उठता है। वो भागती है वॉशरूम की तरफ और वहां की हालत देखकर तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। वहां चारों तरफ बस खून ही खून थे, फर्श पे, बेसिन में, और
उस लड़के की लाश पड़ी थी बाथटब के अंदर। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, आंखें भी। इतना भयानक दिख रही थी वो कि डर के मारे ये लीरी वहां से भागने लगती है और पैर फिसल के जमीन पर गिर जाती है। बेसिन से उसका सर टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसका होश लौटता है वो देखती है बाथटब तो बिल्कुल खाली है, वहां बस कुछ खून के छींटे और मिट्टी पड़ी है, मगर वो लाश वो कहीं दिख नहीं रही थी। ये लेडी जैसे तैसे गिरते पड़ते घर से भागने की कोशिश करती है, मगर ठीक इसी समय वह रिकॉर्ड फिर से स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। सुनाई देती है वही मनहूस धुन और इस बार उसका शिकार बनती है ये लेडी। भागने की कोशिश में दरवाजे तक तो पहुंच चुकी थी वो, मगर नॉब को घुमाने से पहले ही उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है, स्टैचू बन जाती है वो। अपने हाथ पैर कुछ भी मूव नहीं कर पाती। उसे फील होता है कोई आ रहा है उसके पीछे, मगर चेक करने के लिए अपने गर्दन तक घुमा नहीं पाती वो। डर से रोने लगती है बेचारी और हम देख पाते हैं उसके पीछे खड़ी है वही लाश। मगर जब अगले पल इस लेडी को मूव करने की पावर मिलती है, वो पीछे मुड़ती है, तब वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। मगर इस लेडी को मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उसकी मौत तो उसके सामने खड़ी थी। जैसे वो सामने दिखती है उसे वो लाश नजर आती है जो हाथ में चाकू लिए उसी का इंतजार कर रही थी। इस लेडी को भागने का मौका तक नहीं मिलता, अगले ही पल ये लाश चाकू घुसा देती है उसके आंखों में, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे हम एक और कपल को देखते हैं घर में एंटर करते हुए। ये वही लोग थे जिन्होंने ये कैबिन बुक किया था और इन्हीं के लिए वो लेडी घर को साफ कर रही थी। इन्हें आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो चुकी थी, दोपहर की जगह शाम को पहुंच रहे थे वो। ऊपर से जो आदमी था उसकी तबीयत इतनी खराब हो रखी थी, तो गाड़ी से उतरते ही वो भागते हैं वॉशरूम की तरफ। वो नोटिस भी नहीं करते केबिन का दरवाजा खुला है, जबकि यह तो लॉक्ड होना चाहिए था। एक्चुअली आदमी को इतनी उल्टी हो रही थी कि बेचारे ये सब देखने के हालत में ही नहीं था, और जो लड़की थी उसके साथ वो तो व्लॉगिंग करने में ही बिजी थी। केबिन में एंटर करते ही सबसे पहले बैग से कैमरा निकालती है वो। उसे सब कुछ रिकॉर्ड करना था, कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी वो, जिसकी शुरुआत होती है इस केबिन के एक टूर से। और इसी दौरान बेडरूम को शूट करते वक्त उसे पहली बार वो डिमोनिक फिगर नजर आता है जो अंधेरे में दरवाजे के पीछे छुपकर उसे ही देख रहा था। कोई शिकारी जैसे अपने शिकार को देखता है ठीक वैसे, मगर लाइट ऑन करते ही वो गायब हो जाता है। लड़की को एक पल के लिए डर तो लगता है, मगर फिर अपनी गलत फहमी समझ कर वो बात को टाल देती है। एक्चुअली इतनी एक्साइटेड थी वो कि इन सब फालतू चीज़ों में उसका ध्यान नहीं जाता। वो डिनर रेडी करने लगती है, मगर हम समझ पाते हैं इस शैतान का अगला शिकार जरूर वो लोग ही बनने वाले हैं, उन्हें मार कर चुका है वो। इधर इस सबसे अनजान ये लड़की अपने सपने की दुनिया में खोई थी। घर में एक रोमांटिक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए वो म्यूजिक प्ले करने की डिसाइड करती है। प्लेयर को चेक करने पर उसे वही कर्स्ड रिकॉर्ड मिलता है अंदर, मगर उसे ये देखकर ही बोरिंग लग रहा था तो वो उसे बदल के एक पुराने गाने के रिकॉर्ड प्ले करती है। बाल बाल बच गई थी वो, मगर ज्यादा देर नहीं उसकी मौत तो जैसे उसे पुकार रही थी, जिसके वजह से कुछ ही मिनट के अंदर उसका डिसीशन बदल जाता है और वो उस रिकॉर्ड को प्ले करने की डिसाइड करती है। उसे कुछ नया सुनना था, क्या पता उसमें कुछ विंटेज हो। यही सोचकर वो प्लेयर को ऑन करती है और उसे सुनाई देती है उस डॉक्टर की बातें। वो तब भी अपनी थ्योरी डिस्कस कर रहा था, डिटेल्स में बता रहा था कैसे उस धुन को सुनकर एक नर्स ने एक स्कैल्पल से अपनी दोनों आंखें निकाल ली उसके सामने ही। क्या ये सब सच में इस धुन का कमाल है या फिर इस आदमी में कुछ स्पेशल पावर है? जो भी हो उसे ये धुन सीखना ही होगा, कुछ भी करके ये शक्ति उसे हासिल करनी होगी। इन बातों का कोई भी मतलब इस लड़की को तो समझ नहीं आता। थैंकफुली उसे वो धुन भी सुनाई नहीं देती जिससे वो हिप्नोटाइज्ड हो पाए। इससे पहले उसका पति आ जाता है और वो दोनों आपस में बिजी हो जाते हैं, मगर कुछ देर बाद अचानक ही वो रिकॉर्ड फिर से स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। और इस बार कोई कन्वर्सेशन नहीं बल्कि वो चैंटिंग सुनाई देती है। अब हनीमून पे आके ये रोना धोना कौन सुनना चाहेगा, आदमी को तो बेकार लगता है। और वो अपनी बीवी से कहता है रिकॉर्ड को बंद करने के लिए, इससे उसकी बीवी जाती तो है, मगर वो चैंटिंग सुनते ही वो हिप्नोटाइज्ड हो जाती है।
वहीं पर खड़ी रह जाती है वो कई मिनट तक। उसका हस्बैंड बुलाता है उसे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो हस्बैंड खुद ही जाता है उसके पास और रिकॉर्ड को बंद करने की कोशिश करता है। मगर ठीक तभी एक अजीब हादसा होता है। उसकी बीवी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इससे बेहतर क्यों ना मैं तुम्हारा कान ही काट दूं। उसका टोन इतना सीरियस और क्रीपी था कि ये आदमी सच में ही डर जाता है। उसे समझ नहीं आता उसकी बीवी ऐसी बातें क्यों करेगी। ऊपर से उसकी आवाज वो भी तो बदल चुकी थी। देर रात तक उस वीडियो को देखता रहता है ये आदमी रिपीट में, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और अपने बीवी से पूछने पर वो कहती है कि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इससे वो आदमी इतना घबरा जाता है कि रात भर सो नहीं पाता। और सोता भी तो है, उस धुन की आवाज से उसकी नींद फिर से टूट जाती है। वो देखता है उसकी बीवी बिस्तर पे नहीं है, वो उस रिकॉर्ड के सामने खड़े बहुत ही ध्यान से उसे सुन रही है। उसके शरीर में एक अजीब सा मूवमेंट हो रहा है उस चैंटिंग के साथ मैच करके सेम रिदिम पे। उसका हस्बैंड समझ नहीं पाता आखिर चल क्या रहा है, तो वो उसके पास जाता है और उसे बुलाता है। और जब उसकी बीवी उसके तरफ देखती है, हस्बैंड की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो पोजेस्ड हो चुकी थी। डिस्टॉर्टेड हो चुका था उसका पूरा चेहरा। इसे देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, वो सपना देख रहा था, एक बहुत ही घटिया सपना। अब तो उसे सोने से भी डर लग रहा था, पता नहीं फिर से कैसा सपना दिख जाए। ठीक तभी उसे सुनाई देती है वो धुन। क्या रिकॉर्ड फिर से स्टार्ट हो चुका है? उसे इस बात सच में डर लगने लगता है, तो वो अपने वाइफ को बुलाता है ये स्टोरी शेयर करने के लिए। वो उसके पास ही थी, मगर उसका फेस दूसरे तरफ था। बुलाने पर जब वो धीरे धीरे उसके तरफ देखने लगती है, हस्बैंड को रियलाइज होता है कि उसका सपना सच हो रहा है। वो धुन और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी ही गुनगुना रही है, और उसका चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह बन चुका है जैसे उसने सपने में देखा था। डर से हालत खराब हो जाती है हस्बैंड की, बट फॉर्चुनेटली ये भी एक सपना था। वो सपने के अंदर ही सपना देख रहा था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद टूटती है और उसे समझ आता है कि वो जिंदा है, तब जाके चैन की सांस लेता है वो। मगर अगले पल उसे यह भी एहसास हो जाता है कि शायद उसका नाइटमेयर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसे दिखती है अपनी पत्नी जो उसी के पास बैठी थी, हाथ में चाकू लिए, जो अचानक ही घुसा देती है अपने हस्बैंड के सीने में, बार बार स्टैप करके उसे मार डालती है, क्योंकि वो सच में ही पोजेस्ड हो चुकी थी। उसका चेहरा एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके हस्बैंड ने सपने में देखा था। तो ये हो सकता है वो सपना सच में कोई सपना नहीं था, सच्चाई की झलक थी जिससे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वार्न करने की कोशिश कर रहा होगा। God knows. At the end scene, हम देखते हैं इस लड़की को घर लौटते हुए। Surprisingly, वो जिंदा थी। हाँ, वो पोजेस्ड थी, मगर बिल्कुल सही सलामत थी। हम देखते हैं उसके सामान के साथ वो रिकॉर्ड भी है जिसे वो अपने साथ अपने दुनिया में ले जा रही है। तो क्या इसीलिए वो बच गई? मगर ये तो उसका कॉन्शियस डिसीशन नहीं है ना, अभी तो वो पोजेस्ड है। तो फिर इसका जवाब एक ही हो सकता है। मुझे लगता है वो इसलिए नहीं मरी क्योंकि वो इस ईविल चैंट को स्प्रेड करने की काम कर रही थी अपने अनजाने में ही। अगर हम ध्यान से सोचे, वो डॉक्टर इस चैंटिंग को सीखना चाहता था, इस पार को हासिल करना चाहता था। उसने इतनी कोशिश करी, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करी जिसमें कई लोगों की जान भी गई, मगर वो ये समझ नहीं पाया कि उसका सलूशन ऑलरेडी उसके हाथ में है। ये रिकॉर्डिंग, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो लोगों को बश में कर सकती है। उस डॉक्टर की तरह इस लड़की को भी ये बात समझ नहीं आई और अपने अनजाने में ही वो एक जरिया बन गई। अभी उसी को यूज करके शैतान अपना काम पूरा करेगा, इसीलिए ही तो वो जिंदा है। दोस्तों, ऑनेस्टली आई लव दिस स्टोरी। कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, साथ में प्रेजेंटेशन भी। बहुत सारे जंप स्केयर सीन्स है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।